फ्रेंड्स और जय मत्स्य की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। एक वचन मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, जो है मत्ती 25 और उसका 29। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अभी देखो यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जिसके पास है मतलब बहुत आयस है उसको और भी दिया जाएगा। चलो दो कोई बात नहीं, परमेश्वर दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं और जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है मतलब जो बचा कुचा जो भी कुछ है बोलो वो भी उससे ले लिया जाएगा। अरे कैसा न्याय, अरे परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों बोलते हैं कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जितना है वो भी ले लिया जाएगा, वो तो पूरा कंगाल हो जाएगा। क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक मेढक था, वो कहीं से जा रहा था और जा रहा था तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई रो रहा। उसे ध्यान लगाकर देखा, उस आवाज़ की दिशा में गया तो वहाँ एक और मेढक था और वो रो रहा था। तो पहले वाले मेढक ने दूसरे वाले मेढक से बोला, भाई साहब तू क्यों रो रहा है? अरे बोलो देखो मैं इस तालाब में रहता था, ये तालाब कितना गंदा हो गया है, अब मैं कैसे यहाँ से रहूँ, अब मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अरे बोलो उसमें रोने की कौन सी बात है, चल मेरे साथ, यहाँ से थोड़ा ही आगे जाना है, वहाँ पर एक तालाब और है और बहुत साफ सुथरा है, मैं वहीं पर रहता हूँ, चल तू भी मेरे साथ वहीं पर रहना। और मालूम है मेढक क्या बोलता है, काश वो तालाब यहाँ पर होता, काश वो तालाब यहाँ पर होता तो मैं उसमें चला जाता। और फिर रोने लगा, बोले क्या हुआ? अरे बोले इसमें जो जीव जंतु थे जिसको मैं खाता था वो तो सारे मर गए गंदे तालाब की वजह से, अब मैं क्या खाऊंगा कैसे खाऊंगा? तो पहले वाला मेढक बोलता है, अरे मैंने तुझसे बोला तो सही मेरे साथ चल, आगे एक तालाब है साफ सुथरा है, वहाँ पर काफ़ी जीव जंतु है, मैं वही खाकर जिंदा रहता हूँ, तुझे भी बहुत पेट भरकर खाना मिलेगा। और दूसरे वाला मेढक क्या बोलता है, मालूम काश मेरी जबान इतनी लंबी होती, मैं जबान वहाँ पर फैलाकर उस जीव जंतु को खा सकता। अरे ऐसे फालतू विचार मत कर, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जबान तेरी लंबी नहीं हो सकती, चल तू मेरे साथ जल्दी से चल। और तभी क्या हुआ, एक बगला वहाँ पर आया और तालाब के किनारे बैठा, ये फिर से रोने लग गया, बोले क्या हुआ? अरे बगला आ गया, ये मुझे खा जाएगा, अब मेरी मौत हो जाएगी। और ये मेढक बोलता है, अरे क्यों रोता है, जंप लगा देते तालाब के अंदर वो कौन सा पकड़ पाएगा, अरे भाग जाते वो कौन सा पकड़ पाएगा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, वो हमारे तक नहीं पहुंच सकता, चल भाग। अरे बोला काश मैं यहाँ से दूर होता, ये बगला यहाँ पर ना आया होता। और तभी उस बगले ने अपनी चोंच में इस मेढक को ले लिया और वहाँ से उड़ गया। और चोंच में रहकर वो मेढक सोचता था, काश मैं भी उस दूसरे मेढक की तरह मैं भी सुखी होता, कितना अच्छा होता। क्या ये मेढक मर सकता था? क्या मेढक के पास कोई रास्ता ही नहीं था? ये मेढक के पास रास्ता था, वो पहले वाले मेढक के साथ जा सकता था, लेकिन मालूम है क्यों मारा गया, ये अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहता था, आलसी था, एक ही जगह पर बैठा रहना बस, हिलना ही नहीं, और इस कारण वो मारा गया। प्रभु उसने कहा मेरा आना एक व्यापारी के समान है। उस व्यापारी ने अपने तीन नौकरों को बुलाया, एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 सिक्के दिए और एक को 1 सिक्का दिया, और वो परदेश चले गए।
लंबे अरसे के बाद वो वापस आएगा। वापस आने के बाद जिसको 5 सिक्के दिए थे उसको बोला है कि भाई साहब इधर आओ, मैं जब गया था तो मैंने 5 सिक्के दिए थे, क्या हुआ उस 5 सिक्के का? तो नौकर ने बोला स्वामी मैंने मेहनत की, मैंने कमाई की और मैं और 5 सिक्के कमाई कर कर लेकर आया। मालिक खुश होगा, शाबाश शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तेरे परमेश्वर के आनंद में प्रवेश कर। फिर जिसको 2 सिक्के दिए थे उसको भी बुलाया, बोले इधर आओ, मैं जाते वक्त उसे 2 सिक्का देकर गया था, क्या किया तूने? हाँ मालिक मैंने मेहनत की ना, मैंने कमाई की ना, और मैं 2 सिक्के और कमाई कर कर लेकर आया। और मालिक खुश, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तेरे मालिक के आनंद में प्रवेश कर। और अभी जो 1 सिक्का वाला था उसको बुलाया गया, इधर आ, मैं जाते वक्त उसे 1 सिक्का देकर गया था, क्या हुआ उसका? अरे मालिक मालिक मैं तो आपको जानता हूँ, अरे मालिक मैं तो आपके स्वभाव से परिचित हूँ, अरे मालिक मालिक मुझे तो आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अरे क्या भरोसा है? अरे वही आप जहाँ पर बिखेरते नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाते हो, जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाते हो, आप तो बहुत कठोर हो, मैं जानता हूँ, मैं पूरा विश्वास करता हूँ और मुझे मालूम था पक्का आप सिक्का मांगोगे, और इसलिए मैंने क्या किया था मालिक, मैंने सिक्का ज़मीन में दफन कर कर रखा था, और मालिक ये लो आपका सिक्का। और मालिक ने बोला, अरे दुष्ट चाकर, अरे आलसी चाकर, जब तू जानता था कि मैं कठोर हूँ, जब तू जानता था मैं जहाँ पर बिखेरता नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आता हूँ, जहाँ पर मैं बीजता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता हूँ, मैं ऐसा कठोर हूँ, ऐसा तुझे विश्वास था, तुझे जानकारी थी, तू मेरे स्वभाव से परिचित था, तो तुझे क्या करना चाहिए था? तुझे मेहनत करनी चाहिए थी, तुझे कमाई करनी चाहिए थी, 1 से 2 बनाने थे सिक्के। अरे वो नहीं कर सकता था तो कम से कम किसी श्रॉफ को ये पैसा देना था ताकि मुझे कुछ ब्याज तो मिलता, तूने तो कुछ भी नहीं किया, तू तो बैठा रहा, तू तो सोता रहा, लोगों को बोला है इधर आओ, इस आलसी को उठाओ बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा, और इसके पास जो 1 सिक्का है वो ले लो और जिसके पास 10 है उसको दे दो। तो लोगों ने बोला मालिक उसके पास तो 10 पहले से, इसके पास तो 1 ही 1। अरे बोले जब ये काम ही नहीं करता बैठा रहता है तो काम का क्या, इसके पास जो है ना वो भी ले लो। तो पता है परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, जिसके पास जाता है उसको इसलिए देना है क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अगर उसको और दोगे तो और मेहनत करेगा और भागेगा और आत्मा जीतेगा और वरदानों से भर जाएगा, बहुत लोगों को सुसमाचार देगा। लेकिन ये जिसके पास 1 वरदान था इसने किसी को नहीं जीता, किसी को बताया नहीं, इसने वरदान का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्या काम का वरदान है इसके पास? इसके पास से ले लो, 10 वाले को दे दो, वो और कमाई करेगा और आत्मा को जीतेगा, मेरे राज्य को और फैलाएगा। लेकिन ये निकम्मा है, इसको बाहर के अंतरे में डाल दो। अब पता चला क्यों परमेश्वर कहते हैं कि जिसके पास नहीं है उसके पास जो है ना वो भी ले लो। अगर आपके पास भी परमेश्वर का दिया हो जो भी वरदान है, चाहे वो गवाही देने का वरदान, चाहे चमत्कार करने का वरदान, चाहे वचन देने का वरदान, चाहे आराधना करने का वरदान, चाहे कोई बाजा बजाने का वरदान, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना छीन लिया जाएगा आपसे और किसी और को दे दिया जाएगा, और ऊपर से आप नाश में जाओगे अलग से। और इसलिए अपना वरदान का इस्तेमाल करो और बहुत सारे लोगों को बचाने वाले बनो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।